हाँ जी, तो दोस्तों क्या हाल चाल है? ये जरा थोड़ा सा ना इसके ओए होए यहाँ पर ठीक है। तो बात ऐसी है, हम एक नई वीडियो के साथ आ गए हैं और आज की जो वीडियो है वो है हमारी किटी पे। किटी आप लोगों को पता ही नहीं होगा कौन है, तो वो है हमारी बिल्ली जो कि मैंने ली थी तकरीबन कुछ 1.5 से 2 माह पहले और आई थिंक मैंने बहुत कम स्टोरी लगाई होगी किस पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे, क्योंकि दिखाई नहीं। मैंने कहा ज़रा ये थोड़ी सी फर्मा बरदार बन जाए तो फिर आपको दिखाएंगे। तो अब वो हो चुकी है फर्मा बरदार कुछ हद तक। तो मैंने कहा यार कुछ ना कुछ तो उसका इंट्रो होना चाहिए। वो हमारी एक हिस्सा है, मेंबर है हमारे घर का। तो मैंने कहा यार देख लें, बहुत से होते हैं जो पेट्स लवर होते हैं, ठीक है, तो उनको इंटरेस्ट होगा तो वो देख लेंगे। तो व्लॉग तो आपको पता करना है, कुछ ना कुछ चीज़ तो ढूंढनी पड़ती है। तो यार भाई हमने सबसे पहले जो काम करना है ना वो ये करना कि आज हमारा मूड था कि हम उसको नहलाएं, ठीक है। तो नहलाने के लिए हमें उसकी चीज़ें वगैरह चाहिए थी जो कि मैं व्लॉग से पहले ही ले आया था, समझ रहे हो, जो कि यूज़ होती हैं उसका शैम्पू वगैरह, उसका हेयर ब्रश और नेल कटर वगैरह, ये वो सब कुछ जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। अब ये है सबसे पहली जो स्टेप है वो मेरा ये आपको दिखाने से पहले कि मैं सबसे पहले उसको नहलाऊंगा, उसके बाद आपको दिखाऊंगा। तो कुछ टाइम लैप्स वगैरह बना लेते हैं, ठीक है, नहलाने की। तो ये आप देख सकते हैं। हाँ जी, तो ये हमारा था इसको नहलाने का प्रोसेस। नहा तो लिया हमने, अगर इसको ड्राई करना है तो ऐसे करना चाहिए क्योंकि ठंड बेचारी को ना लग जाए। जिसे आप ये टैं 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 सुन रहे हैं, ज़रा इसकी भी एक नई स्टोरी आपको बताई जाएगी बाद में, इसी तरह से नज़र की जाएगी तो आप बताइएगा क्या करना चाहिए। लेकिन अभी जो है उसको ड्राई कर लेते हैं। तो हमारा ड्रायर का जो सिनेरियो था वो तो हमने कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि जैसे कि नहा लूँ के फ्रेश हो गई है। तो मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था यानी उसको नहलाने का, तो मैं खुद बड़ा घबरा गया था कि यार उसको काफ़ी ठंड वगैरह लग रही है। तो उसको जैसे जैसे वो ड्रायर वगैरह मारा है, उसको सुखाया, तो वो ज़रा फुल शशके में आई है, समझ रहे हो, ज़रा पूरा ही निज़ाम डाला उसने कि जी नहीं कुछ नहीं होता, इसी सीन आपने पहली बार में लाया तो आपकी कोई गलती नहीं, इसमें मैं जिम्मेदार थी, तो सारे आप उसको फॉलो करते रहे, ज़्यादा ही हो गए। अब जो उसके सिनेमैटिक शॉट्स में चाह रहा था कि कुछ निकाल लूँ, कुछ वीडियो बना लूँ जो आप लोगों को दिखाऊं कि यार ये मेरी किटी है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगेगी, माड़ी नहीं लगेगी, क्योंकि बता आपने भाई ने जो चीज़ रखी है पूरे भारत से रखी है, हल्के में नहीं लिया किसी चीज़ को भी, ठीक है, उसको पूरा खाना पीना डाला है, उसकी पूरी मेंटेनेंस रखी है, जैसे हम इंजन ऑयल चेंज कराते हैं, ट्यूनिंग कराते हैं गाड़ी एक टाइम तक चलने के बाद, इसकी हम गाड़ी चलने से पहले, गाड़ी चलती रहती है तब भी मेंटेनेंस चलती रहती है। तो आ जाओ फिर इसके शॉट्स देखते हैं। वीडियो का एंड यहाँ पर करते हैं और ये आपको पीछे चैन जान जाएँ की आवाज़ आ रही है, मैं इसके लिए एंड में बताना चाह कि ये ना हमने पीछे ना ये रखा हुआ है शेड,
हमारे यहाँ को नज़र आ रहा होगा ये शेड, ठीक है, ये शेड है हमारा। तो इसमें मेरे बड़े भाई जान जो है उन्होंने रखा है क्या नाम है बर्ड्स वगैरह सारा, ये टोटल जो है ना पैरेट्स। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका ही व्लॉग वगैरह करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं दोस्तों भी नज़र सानी करूँगा। वीडियो आज के लिए यार इतना ही है, तो वीडियो अपनी ख़त्म करते हैं। तो स्टेप तो सॉरी यार।